अहले सुन्नत में तशद्दुद और तफरीक का बीज बोया जा रहा है और वो अहले बैत अतहार की मोहब्बत के दिलकश उनवान के साथ, जिसके बारे में हजरत अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तदा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि कलिमतुल हक उरीद बिहल बातिल, कि कलमा तो हक है लेकिन उससे मुराद बातिल ली जा रही है। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए जो हुदूद मुकर्रर की हैं वो शरीयत की हैं। फरमाया कि ला तअतिरूनी कमा अततिन नसारल मसीह इब्न मरियम, हुजूर से बड़ा तो कोई भी नहीं है, मगर मेरे आका ने फरमाया कि मेरी शान भी बयान करोगे तो हुदूद शरीयत में बयान करोगे। और फरमाया कि जिस तरह नसारा ने मसीह इब्न मरियम की शान बयान करते हुए उसे बंदगी और रिसालत के दर्जे से उठाकर उलूहियत में दाखिल कर दिया तो वो तबाह बर्बाद हो गए, तो मेरे आका व मौला ने फरमाया कि मेरी जात के लिए इस तरह के मुबालगे की इजाजत नहीं है। वरना बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर मकाम उलूहियत से नीचे जो अल्लाह की मखलूक में आला से आला दर्जा मुतसव्वर किया जा सकता है, हमारे आका का दर्जा उससे भी बुलंद है। इसी तरह से अहले बैत अतहार की शान बयान करेंगे तो हुदूद शरा में बयान करेंगे, हुदूद शरा से तजावज की इजाजत नहीं होगी।